ओके, देखिए लास्ट क्लास में मैंने ये बता दिया था कि अगर कभी भी किसी कॉइल से कनेक्टेड होने वाला मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होता है तो हमें वहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और सर्किट अगर क्लोज है, कॉइल अगर क्लोज है, तो करंट जनरेट होगी। ऑब्जर्वेशन एक बार फिर पढ़ लेते हैं क्योंकि थोड़ा कुछ भूल गया है पिछला पढ़ा हुआ। ऑब्जर्वेशन पॉइंट नंबर वन, द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड मैग्नेट, मतलब पहली बात है कि कॉइल और मैग्नेट के बीच में, ये फेराडेज पहले लॉ के ऑब्जर्वेशन है, जो एक्सपेरिमेंट मैंने कराया था उसके ऑब्जर्वेशन क्या निकल करके आया कि देयर शुड बी सम रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट। पॉइंट नंबर टू, द इंड्यूस्ड पोलैरिटीज ऑफ द मैग्नेटिज्म इन द कॉइल, द इंड्यूस्ड पोलैरिटीज ऑफ द मैग्नेटिज्म इन द कॉइल। हाँ, जैसे ही आपका मैग्नेट मूव करेगा कॉइल के रिस्पेक्ट में, तो आपने देखा था कि कॉइल में जो है पोलैरिटी इंड्यूस हो जाती थी, मतलब समवेयर नॉर्थ बन जाता था और समवेयर साउथ बन जाता था, पोलैरिटी इंड्यूस होती थी। पॉइंट नंबर थ्री, द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर एंड हैंस द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। जैसे पोलैरिटी बनती है वैसे करंट फ्लो हो जाती है, और करंट फ्लो होगी तो गैल्वेनोमीटर जो कॉइल के साथ लगी हुई थी उस गैल्वेनोमीटर की कॉइल में डिफ्लेक्शन हो जाएगा और इसमें करंट शो होगी। फोर्थ पॉइंट, द इंड्यूस ई एम एफ इज अवेलेबल एज लॉन्ग एज देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड मैग्नेट। जब तक मैग्नेट आगे पीछे हो रहा है और फ्लक्स बदल रहा है तब तक आपका देखने को मिलेगा, है ना, क्या आप देखने को मिलेगा गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन। जैसे ही मैग्नेट रुक जाएगा वैसे ही फ्लक्स का चेंज रुक जाएगा, तो कॉइल में डिफ्लेक्शन नहीं होगा। मतलब करंट जब तक है जान, रूल मैंने बताया था, कब तक है जान, जब तक कि चेंजेस हो रहे हैं, जब तक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो बच्चों याद रखना, फ्लक्स का जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्लक्स का होना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है फ्लक्स का चेंज होना। फ्लक्स जा रही है इससे कुछ नहीं होने वाला, इंपॉर्टेंट है फ्लक्स चेंज हो रहा कि नहीं हो रहा, समझ गए ना। फ्लक्स चेंज हो रहा कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। यस, सो ये बात जो थी फोर्थ लॉ, यही था मेन इंपॉर्टेंट लॉ जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है, इसी को फेराडेस फर्स्ट लॉ कहा था। द इंड्यूस ईएमएफ और करंट अवेलेबल इज अवेलेबल ओनली एज लॉन्ग एज देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट। जब तक कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन है तब तक आपको इंड्यूस ईएमएफ मिलेगा। जैसे ही आपका रिलेटिव मोशन समाप्त हो जाता है आपका इंड्यूस ईएमएफ भी समाप्त हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। पॉइंट नंबर नोट की बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर वन, कॉइल कैन बी मूव्ड बाई फिक्सिंग द मैग्नेट। उसी दिन बताया था मैंने आपको दो तरीके हैं, या तो कॉइल को फिक्स करके मैग्नेट को आगे पीछे करो, या मैग्नेट को फिक्स कर लो कॉइल को आगे पीछे करो। बात तो एक ही है भाई, फ्लक्स अभी भी चेंज होगा तो कोई चेंज नहीं आने वाला है, वैसे ही फॉर्म फिनोमिनन होगी। अगले पॉइंट नंबर टू, बोथ द कॉइल एंड मैग्नेट कैन बी मूव टूवर्ड्स द ईच अदर और बाई और अवे फ्रॉम द ईच अदर, दैट इज देयर मस्ट बी ए रिलेटिव मोशन बिटवीन दैम। इंपॉर्टेंट क्या है, रिलेटिव मोशन होना, कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी की वजह से ई एम एफ प्रोड्यूस होगा। पॉइंट नंबर थ्री, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेस रिलेटिव विद द पोजिशन ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेट। हाँ ऑब्वियसली यार, अगर आप रिलेटिवली कॉइल की पोजीशन को चेंज करोगे तो कॉइल से जाने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भी तो चेंज होगा, क्योंकि कॉइल अपनी जगह बदलेगी तो फ्लक्स भी तो ज़्यादा कम होगा, तो ये लाइन यूजलेस है, कोई उसमें कुछ नई बात नहीं है। पॉइंट नंबर फोर, करंट एंड हैंस डिफ्लेक्शन इज लार्ज इफ द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द कॉइल एंड मैग्नेट एंड हैंस द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स अक्रॉस द कॉइल इज मोर। बच्चों ये जो चीज़ है ना, ये यही जा करके आपका फेराडेस का सेकेंड लॉ बनेगी आगे चल के। इसको जो सिंपल भाषा में बोल दिया गया है कि करंट एंड हैंस डिफ्लेक्शन इज लार्ज, भाई डिफ्लेक्शन ज़्यादा कब होगा, जब करंट ज़्यादा होगी। करंट ज़्यादा कब होगी, जब वोल्टेज तगड़ा होगा। वोल्टेज तगड़ा कब होगा, जब आपका फ्लक्स बहुत तेज़ी से चेंज होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या होगा, बहुत तेज़ी से चेंज होगा। तो ये कह रहा है कि करंट हैंस द डिफ्लेक्शन इज लार्ज इफ रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द कॉइल एंड मैग्नेट इफ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कॉइल एंड मैग्नेट। अब यहाँ पे लार्ज यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया गया है, तो लार्ज को लगा के इफ का यूज किया गया है, मतलब इंग्लिश आ गई, ग्रामर भी पढ़ा रहा हूं मैं यहाँ पे। इफ द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द कॉइल एंड मैग्नेट एंड हैंस, तो आप यानी ढूंढने लग जाओ यहाँ पे मैग्नेट इज लार्ज, इज लार्ज का यहाँ पे यूज हो चुका है इसके लिए। मतलब अगर आप चाहते हो कि करंट और डिफ्लेक्शन लार्ज हो उसके लिए वेलोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, एंड हैंस द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स अक्रॉस द कॉइल इज मोर। और इस तरीके से अगर आप चाहते हैं कि करंट ज़्यादा हो तो फ्लक्स का जो चेंज होगा वो क्या होगा, तेज होना चाहिए, समझ गए ना। तो इस चीज़ को मैंने लास्ट क्लास में रिलेट किया था कि जब आप किसी बाइक में चलते हो तो जितने जोर का एक्सेलरेटर लेते हो उतनी जोर की लाइट जलती है, ये बिकॉज ऑफ फ्लक्स के चेंज से होता है। चलिए
अब बात करते हैं आज आज की जो क्लास का टॉपिक है वो है फेराडे का एक्सपेरिमेंट नंबर टू। फेराडे का एक्सपेरिमेंट नंबर टू जो है वो देखिए, पहला एक्सपेरिमेंट जो था उसने क्या बताया, उसमें हमने ये देखा कि एक ही कॉइल में EMF जनरेट हुआ, खुद की कॉइल में, यहाँ पे मैग्नेट चेंज हो रहा था। अब फेराडेस का जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है ना, वो दो कॉइल को लेके किया गया था। फेराडेस का पहला एक्सपेरिमेंट एक कॉइल को लेके किया गया है, तो फेराडेस के दूसरे एक्सपेरिमेंट में आप दो कॉइल को लेके देखेंगे, मतलब दो कॉइल में जो फिजिकली एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। ये थोड़ा सा टफ है, बहुत आराम से मैं सिखा पाऊंगा इस चीज़ को, तो बड़े आराम से इस पर चर्चा करते हैं। अरे कहाँ दो कॉइल ली है यार, उसमें दो कॉइल ऐसी थी, एक कॉइल इधर थी एक कॉइल इधर थी, वो साइमल्टेनियसली इफेक्ट देखने को मिला था, मगर इस कॉइल का इस कॉइल के साथ कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिला था। वो मतलब ये कॉइल का मैग्नेट के साथ दोस्ती देखने को मिली थी और इसकी इस मैग्नेट के साथ देखने को मिली थी। बट आज कुछ अलग होने वाला है, आज होने क्या वाला है कि दो कॉइल आप आपस में रखोगे और उन दोनों में कुछ देखने को मिलेगा। भाई एक एक लाइन समझना, स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत स्लो चलेंगे क्योंकि एकदम डिफ़िकल्ट, कठिन सी, बड़ी कॉम्प्लेक्स बात है। तो बच्चों आज हम कुछ ऐसा करने वाले हैं, एक समझ लो अपनी आपसी भाषा में कि घर मतलब बम फोड़ रहे हैं अपने घर में और धमक लगेगी पड़ोस वाले को, समझ गए ना, या DJ बज रहा है अपने घर में और डांस कर रहा अपने बगल वाला, बाजू वाला, तो ये कुछ घटना होने वाली है। और आगे चल करके इस घटना का जो आप नाम दे देंगे उसका नाम होगा म्यूचुअल इंडक्शन। ये म्यूचुअल का मतलब क्या होता, आपस, म्यूचुअल का मतलब होता आपसी, तो इन दोनों कॉइल में कुछ आपको देखने को मिलेगा, दैट इज़ कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। चलो भाई तो इसको स्लाइड शो में देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा और एक एक लाइन इसकी पढ़ेंगे भी। ओके तो फेराडेस का सेकेंड एक्सपेरिमेंट है। फेराडेस का सेकेंड एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, देखिए ये कॉइल है, प्राइमरी कॉइल है, पी फॉर प्राइमरी, और उसके साथ बैटरी लगी हुई है, बैटरी लगी है DC बैटरी, मतलब करंट हमारे हाथ में है, वोल्टेज हमारे हाथ में है, हम वोल्टेज को ऑन कर देंगे करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। और आप सबको पता है फेराडेस का एक्सपेरिमेंट कि जब भी किसी कॉइल से करंट जाती रही है तो उससे क्या जाता था, फ्लक्स सेट हो जाता था। और ये तो आपने पढ़ा है ना, सोलेनोइड के चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, सोलेनोइड के चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी तो खैर स्विच ऑन नहीं है, ऑफ है, की खुली हुई है, बट जैसे ही मैं इस की को प्रेस करूंगा तो करंट जाने लगेगी, और करंट जाने लगेगी तो मैंने आपके इसके पहले वाले चैप्टर में बताया है, एक पोल बन जाएगा नॉर्थ और एक पोल बन जाएगा साउथ, ठीक है ना। और इसका मैग्नेटिक फील्ड भी हमने निकाला था, बहुत इंपॉर्टेंट है, μ0 ni। बच्चों पहला पार्ट जो स्कूल का होने वाला है वो होने वाला है ऑब्जेक्टिव, तो डेरिवेशंस की तरफ ज़्यादा मत जाइए, बड़े रिलैक्स की बात है, डेरिवेशंस नहीं आने वाले हैं, केवल और केवल क्या आने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, तो डेरिवेशन करने की चिंता नहीं है, फाइनल रिजल्ट को पकड़ो। अब मैं डेरिवेशन इसलिए करा रहा हूँ कि जब तक मैं कराऊंगा नहीं तो आपके अंदर फीलिंग नहीं आएगी, इसलिए कराना ज़रूरी है, भले आप भूल जाओ बाद में डेरिवेशंस को, मगर कराना ज़रूरी है जिससे फीलिंग आ जाए। मैं तो चार फॉर्मूले लिखा के इस चैप्टर को ख़त्म कर दूं, मगर उसकी प्रैक्टिस के लिए पहले आपको बनना भी तो चाहिए, इसलिए इस चैप्टर को मैं पूरा करा रहा हूँ। तो EMF लगा दिया, EMF E है, प्राइमरी कॉइल है, की के लगी हुई है, इसको प्राइमरी कॉइल बोलते हैं। ये देखो बच्चों ये दूसरी कॉइल है बगल में, सेकेंडरी कॉइल में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, मतलब हम डिटेक्ट करेंगे। ध्यान से देखो दोनों कॉइल के बीच में क्या कोई फिजिकल कनेक्शन है, नहीं है, दोनों कॉइल का एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं है, मगर मैं पहली कॉइल को जैसे ही ऑन करता हूँ तो इसके अराउंड फ्लक्स सेट होगा कि नहीं होगा, बोलो, इतना तो पढ़े हो भाई, जब पहली कॉइल को मैं ऑन करूँगा तो फ्लक्स सेट होगा कि नहीं होगा, बेशक बिल्कुल होगा भाई, yes, जब आप sir. पहली कॉइल को ऑन करोगे तो इसमें से फ्लक्स सेट होगा, कैसा सेट होगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे आप इस की को ऑन करोगे ना, जैसे इसको दबा दोगे की को, तो आपको पता है कि इसका एक पोल बन जाएगा नॉर्थ और एक पोल बन जाएगा साउथ, सपोज ये नॉर्थ बन गया ये साउथ बन गया, तो क्या होगा, फ्लक्स ऐसे सेट होगा, ये देखिए ऑब्वियसली यहाँ तो बैटरी लगी हुई है, ये देखो बच्चों, आप देखिए जी बच्चों जी होगा क्या, शुरुआत में ये बैटरी खुली थी,
मतलब शुरुआत में स्विच ओपन था, स्विच ओपन था मतलब करंट कितनी थी, जीरो। और करंट धीरे 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 बढ़ते हुए, जैसे आपने स्विच ऑन किया, मान लो आपने 5 वोल्ट की बैटरी लगाई तो कुछ तो करंट होगी ना, मान लो कितने एम्पियर, तुम ही बोल दो यार, मान लो 5 एम्पियर, कितने एम्पियर, 5। मतलब शुरुआत में करंट जीरो और थोड़ी देर के बाद करंट बढ़ के कितनी हो गई, जीरो से लेके 5। तो इसको मैं बोलता हूँ जीरो और 5 को बोलता हूँ हीरो, ये मेरी लैंग्वेज है। तो करंट को जीरो से हीरो होने में, करंट जीरो से जब हीरो होगी तो आपको पता है जब करंट बढ़ेगी तो धीरे धीरे फ्लक्स भी तो बढ़ेगा, क्योंकि ओरस्टेड साहब बोल गए थे कि जितना दमदार करंट होगी उतना दमदार फ्लक्स होगा चारों तरफ। तो जैसे करंट जीरो से हीरो बनेगी तो इसमें फ्लक्स भी तो बढ़ेगा, और जब वो फ्लक्स बढ़ेगा तो वो फ्लक्स इससे कनेक्टेड है, तो मतलब फ्लक्स बढ़ता हुआ इससे भी कनेक्टेड होगा। मतलब यदि फ्लक्स इस वाली कॉइल में चेंज होगा तो दूसरी वाली कॉइल से भी जाने वाला फ्लक्स चेंज होगा कि नहीं होगा? भाई मानता हूँ पूरा नहीं होगा मगर थोड़ा तो होगा। अरे भाई ये फ्लक्स रीजन में बढ़ नहीं रहा है, तो बढ़ते बढ़ते उससे टकराएगा, तो चेंज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो फ्लक्स यहाँ का चेंज होगा, और यही तो हमें चाहिए था, फ्लक्स चेंज होना, क्योंकि फ्लक्स का चेंज होना, फ्लक्स का चेंज होना क्या दिलाता है, क्या प्रोड्यूस करता है, ईएमएफ। क्या प्रोड्यूस करता है? ईएमएफ। तो देखिए कैसे फ्लक्स चेंज होगा, है ना। जैसे ही मैं कॉइल को ऑन करता हूँ, देखना कॉइल को ऑन करूँगा तो करंट जीरो से हीरो होगी, मतलब जीरो से लेके 5 जाएगी। बोलो यस सुनो, जीरो से लेके 5 जाएगी। तो जब तक जीरो से लेके 5 करंट जाएगी तब तक फ्लक्स में चेंज होगा, और एक बार जब 5 सेट हो गई तो करंट फिर 5 ही 5 रहेगी, क्योंकि करंट अपनी मैक्सिमम अमाउंट पे पहुंच गई, तो फिर करंट 5 पे 5 रहेगी, फिर चेंजेस नहीं होंगे। तो मतलब शुरुआत में करंट जब बढ़ेगी तब तक फ्लक्स में चेंज होगा। बोले ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर आई। तो हम अब कैसे इस चीज को देखते हैं, देखिए देखिए करंट जो है, देखिए अब ये देखिए स्विच ऑन किया मैंने, देखना ध्यान से दोनों डायग्राम को देखना, ये मैंने की लगाई स्विच ऑन किया, ये अब देखो, हाँ ये गैल्वेनोमीटर का कांटा देखो बच्चों, जब आप लोग ये गैल्वेनोमीटर साउंड देखा आपने, ये वापस जीरो क्यों हो गया, जीरो क्यों हो गया गैल्वेनोमीटर, जीरो क्यों हो गया, बढ़ क्यों नहीं रहा अब इसके बाद? क्योंकि जब तक यहाँ पर करंट जीरो से हीरो हो रही थी, जब तक करंट बढ़ रही थी जीरो से लेके 5 एम्पियर, तब तक फ्लक्स चेंज हुआ, और जब तक फ्लक्स चेंज हुआ तब तक इसमें ईएमएफ आया। अब फ्लक्स अपने मैक्सिमम लेवल पे जाके सेट हो गया, अब बदल नहीं रहा ना, क्योंकि करंट तो फिक्स हो गई, करंट तो भाई जीरो से 5 पे बढ़ी थी, तो यहाँ तक बढ़ी थी तो यहाँ तक फ्लक्स चेंज हुआ था, अब फिर करंट फिक्स हो गई 5 एम्पियर पे, तो जब करंट भी फिक्स हो गई तो फ्लक्स का चेंज कितना हो गया, जीरो। अब फ्लक्स ही नहीं बदलेगा, भले वो बना रहे कितना भी बना है, तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ कितना, ईएमएफ कितना हो जाएगा, जीरो, डिफ्लेक्शन नहीं होगा। बोलो समझ में आया बच्चों कि नहीं आया? यस सर। हाँ पूछो आर्यन। ये 0 से 5 तो 0 सर कनेक्ट के बाद 0 रहा है, जब सर्किट ओपन था तब 0 था, और जैसे मैंने सर्किट क्लोज किया, जैसे तुम ट्यूबलाइट के लिए बटन दबाते हो, तो ट्यूबलाइट के लिए मान लो 11 एम्पियर की करंट चाहिए, तो 0 से 11 तो जाएगी ना, तो 11 एकदम से तो बनेगी नहीं, 0 1 2 3 4 5 तो 11, तो वो समय पे जब 0 से 11 हुआ तो थोड़ा तो चेंज होगा ना 0 से 11 के बीच में, तो जब तक 0 से 11 के बीच में चेंज होगा तब तक करंट बदलेगी, और करंट बदलेगी तो क्या बदलेगा, फ्लक्स बदलेगा, और फ्लक्स जो इससे चेंज होगा थोड़ा कुछ इससे चेंज होगा, तो जब इसमें ईएमएफ आएगा तो इसमें भी ईएमएफ आएगा। ये आ गया तो भैया सर्किट क्लोज कर देंगे तो 0 से 11 तक पहुंचेगा। हाँ ऑब्वियसली ना, 0 से 11 तक के दौरान इसमें चेंज होगा, इसमें तब तक ईएमएफ जनरेट होगा, और फिर इसके बाद फ्लक्स सेट हो गया जितना होना था, तो जब फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, फ्लक्स सेट हो गया, फ्लक्स में चेंज नहीं होगा, क्योंकि फ्लक्स स्टेट मतलब चेंज इन फ्लक्स मतलब 5 2 - 5 1, और 5 2 जो फ्लक्स सेट हो गया तो 5 - 5 बराबर कितना, 0, क्योंकि जो पहले वाला फ्लक्स वही बाद वाला फ्लक्स, जब चेंज नहीं हो रहा है तो चेंज इन फ्लक्स क्या हो गया, 0। इसलिए जल्दी से कॉइल चेंज हुई, फिर से देखो कॉइल को, देखिएगा करंट गायब, क्योंकि जब तक उसमें चेंज हो रहा था तब तक इसमें चेंज हो रहा था। यस तो भैया अपनी कॉइल में करंट चेंज हो रही है और अपनी कॉइल में फ्लक्स चेंज हो रहा है, मगर पड़ोस में दूसरी कॉइल रखी हुई है तो अपने यहाँ के लक्षण दूसरे वाले के यहाँ देखने को मिल रहे हैं, बैंड बजरा अपने यहाँ, नाच दूसरा रहा है पड़ोस वाला, तो इसको बोलते हैं अपन म्यूचुअल इंडक्शन। क्या बोलते हैं इसको? म्यूचुअल इंडक्शन। तो एक लॉजिक तो क्लियर हो गया
कि पड़ोसी के यहाँ तब तक डांस होगा जब तक अपने यहाँ फ्लक्स चेंज बजेगा, जब तक चेंज होता रहेगा। तो जब तक हमारे यहाँ फ्लक्स चेंज होता रहेगा तब तक म्यूचुअल जो सेकेंडरी वाली कॉइल है तब तक उसमें ईएमएफ जनरेट होता रहेगा और थोड़ी सी करंट का मज़ा वो भी लेगा। समझ गए? चलो बढ़िया बात है भाई, अब आगे चलते हैं, सेकेंड पार्ट देखते हैं। अभी ये सर्किट आपने क्लोज कर दिया है, अब मुझे बताए कोई बच्चा कि जैसे यदि मैं इस सर्किट को ओपन कर रहा हूँ तो अभी करंट जीरो से हीरो है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 9 सेकंड पर, जीरो से लेकर 9 सेकंड तक ये काम चला, 9 सेकंड के बाद मैंने स्विच ओपन कर दिया, खटाक से इसको उठा दिया, तो करंट हीरो से जीरो होगी। तो बताओ मुझे फिर से क्या यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का कांटा डिफ्लेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि तब फ्लक्स घटेगा। और हमें बढ़े या घटे हमसे मतलब नहीं, हमें तो चेंज से मतलब है, हमें चेंज से मतलब है, तब भी चेंज होगा, और चेंज होगा तो तब भी यहाँ पर डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। चलिए इसको इरेज करते हैं और आगे की कार्रवाई देखते हैं भाई। ओके, ये देखिए दूसरा सीन, ये है दूसरा सीन। करंट पहली वाली कॉइल में दनादन जा रही, बेहतरीन हीरो लेवल पे करंट है। अब हीरो से जीरो करने वाले हैं, समझ गए? अब वो भैया वो पिछले चैप्टर का है, कैसे नॉर्थ कैसे साउथ मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल। नहीं तो अपने मन से भी तो ले सकते, क्यों ले सकते हैं अपने मन से, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का फंडा है पिछले बार का। तो ये भैया आपने देखिए राइट हैंड रूल से बताया था, कॉइल को ऐसे पकड़ो अंगूठा जिस तरफ जाए नॉर्थ। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद हम जो है अब इस सर्किट को ऑन है, अब इसको ऑफ कर रहे हैं, ऑन है क्या कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं। ये देखो खोला, देखना जी फिर से सर्किट अभी क्लोज है, करंट जा रही है। जैसे करंट मैंने गायब करी, जैसे सर्किट मैंने ओपन किया, करंट क्या होगी, कम होगी। देखो बच्चों ध्यान से, ये मैंने सर्किट ओपन किया, ये देखिए ये सर्किट ओपन किया मैंने, फिर से देखो सर्किट जैसे ओपन करूंगा सेकंड वाली कॉइल का गैल्वेनोमीटर का इसका डिफ्लेक्शन देखना, ये घूमने लगेगा, ये देखो। और जब तक करंट जीरो नहीं हो गई, क्योंकि वो पहले क्या थी, जीरो से हीरो थी, अब हीरो से जीरो गिर रही है। फिर से ग्राफ बना रहा हूँ साइड में, देखो करंट जीरो से हीरो ही थी पहले, चलती रही और इसके बाद ये गिर रही है। तो यहाँ पे आपने स्विच ऑफ किया, इसको खोला, और जब तक ये करंट जीरो नहीं हो गई तब तक इसमें फ्लक्स बदलता रहा, और जब तक फ्लक्स बदलता रहा इसमें गैल्वेनोमीटर अपना कांटा दिखाता रहा, रिफ्लेक्ट करता रहा। ये देखना फिर से, ठीक है ना, ये इस तरीके से हुआ। तो सेकेंडरी कॉइल में आपने ये देखा। अब एक चीज़ और बताऊंगा मैं आपको यहाँ पे, कि क्या बताना चाहूँगा मैं आपको यहाँ पे, आप जरा देखिए ये कॉइल है, इसके ऊपर पोलैरिटी देखिएगा, यहाँ पर पल भर के लिए पोलैरिटी देखिएगा, यहाँ पे कौन सी पोलैरिटी डेवलप होगी और यहाँ पर कौन सी पोलैरिटी डेवलप होगी, इस चीज़ को देखिएगा बस। नॉर्थ साउथ हुई और ये गायब भी हो गई, नॉर्थ साउथ हुई गायब भी हो गई। गायब क्यों हो गई, जैसे फ्लक्स का चेंज रुक जाएगा तो उसमें करंट ही गायब हो गई, तो नॉर्थ साउथ भी गायब हो गया। मगर आप देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पे करंट कम हो रही है, जब आप हीरो से जीरो हो रही है तो यहाँ पे करंट क्या हो रही है, कम हो रही है। सवाल उठना चाहिए आपके मन में कि सर यहाँ पे नॉर्थ क्यों लिया और यहाँ पे साउथ क्यों लिया, उठ रहा सवाल कि नहीं उठ रहा है जय? क्यों जय? यस सर। बोलो, सवाल उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है कि सर यहाँ पे नॉर्थ क्यों आया और यहाँ पे साउथ क्यों आया? तो भाई देखो क्यों आया, यहाँ पे नॉर्थ था यहाँ पे साउथ था, जैसे ही आपकी करंट अट्रैक्शन के कारण, नहीं 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 अट्रैक्शन नहीं बेटा, वो रूल गया, वो मैग्नेट का रूल था, यहाँ पे मैग्नेट नहीं है, यहाँ नॉर्थ है यहाँ साउथ है, यहाँ पे करंट कम हो रही है। और मैंने बताया था कि जो पोलैरिटी जनरेट होती है या करंट जो फ्लो होती है वो ऐसे फ्लो होती है कि वो चेंज का अपोज करे, अपोज ऑफ चेंज। इस चीज को मन में बिल्कुल ध्यान से लिख लो, अपोज ऑफ चेंज, मतलब करंट कुछ ऐसा जुगाड़ जमाती है, करंट कुछ इस डायरेक्शन में क्रिएट होती है कि वो चेंज का अपोज करे। अब यहाँ पे चेंज क्या है, करंट का कम होना, करंट का
कम होना, यहाँ पे करंट कम हो रही है उसकी वजह से फ्लक्स कम हो रहा है, तो जो करंट यहाँ पे जनरेट होगी वो ऐसी करंट जनरेट होगी जो उस कमी का अपोज करे, कमी का क्या करे, अपोज करे। तो कमी का अपोज करना के लिए क्या करेगी, वो जो मेन करंट जा रही है उसी का सपोर्ट करेगी। तो इसमें जो मेन करंट जा रही है ऊपर जा रही थी तो उसी डायरेक्शन में इसको सपोर्ट करने लग जाएगी। तो जब ये वाला नॉर्थ है तो ये वाला क्या बनेगा, नॉर्थ बनेगा, और ये वाला साउथ है तो ये वाला क्या बनेगा, साउथ बनेगा। बोलो क्लियर हुआ? साउथ। यस सर। तो याद रखिएगा कि हमेशा जो इंड्यूस्ड करंट होती है, कौन सी करंट मैंने नाम बोला, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस मतलब बिना टच वाली, समझ गए ना। एक होता है कंडक्शन तो वो कहलाती कंडक्टिंग करंट, और एक होता है इंडक्शन विदाउट फिजिकल टच, उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस्ड करंट कुछ हमेशा ऐसा बिहेव करती है कि वो हमेशा चेंज का अपोज करे। तो यहाँ पे चेंज क्या हो रहा था, यहाँ पे चेंज हो रहा था करंट कम हो रही थी, हीरो से जीरो हो रही थी, तो वो सहारा देने लग गई करंट को कि मत हो हीरो से जीरो, मैं हूँ तुम्हारे पीछे। तो इसलिए उसने, वो नॉर्थ था तो ये भी नॉर्थ बन गया और ये साउथ था तो ये भी साउथ बन गया। वो तो उसको कोई रोक नहीं सकता, मगर जितना दम मार पाएगा तो दम मार पाएगा। यस सर। ठीक है ना। अब इस चीज़ का प्रैक्टिकल भी एग्जांपल आपने थोड़ा सा देखा होगा, गर्मियों के टाइम में अगर कूलर चलाने का शौक रखते हो तो अगर कभी कूलर चलते चलते लाइट गोल हो गई हो तो आपने देखे होगी कि लाइट गोल होने के एक सेकेंड बाद तक लगभग कूलर अपने आप को सेल्फ पावर देता है, एकदम से कूलर भट्ट से लो मोड पे नहीं आता है, थोड़ा सा हल्का सा वो खुद भी पावर देता है। मतलब क्या होता है कि कूलर अपने हीरो मोड पे चल रहा होता है जिस समय लाइट चल रही होती है, और एकदम से लाइट गोल होती है, एकदम से लाइट गोल होती है। तो जो कूलर की क्वाइल होती है ना, वो जो मेन लाइन होती है ना, मेन करंट, उसके सपोर्ट में आ जाती है कि ना बच्चा ना, तू कम मत हो, मैं हूँ तेरे पीछे। तो कूलर एक सेकेंड के लिए लगभग खुद से करंट इंड्यूस करता है, समझ गए ना। तो वो कभी उसको नहीं घूमता, तो वो इनर्शिया के कारण काफ़ी देर तक रहता है, मगर वैसा घूमना जैसे वाकई वाली पावर दे रहे हो वैसा घूमना, वैसे वाले घूमने की बात हो रही है। वो तो एकदम से नहीं रुकेगा, उसके पीछे तो मैकेनिक्स लगी हुई है, इनर्शिया है कि इफ़ ए बॉडी इज़ इन मोशन इट इज़ ऑलवेज कंटिन्यू इट्स मोशन। हाँ 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 बिल्कुल सही है। नहीं तो अगर पंखी को रोकने की कोशिश करोगे तो मोटर समेत पूरा कूलर ही घूम जाएगा, अगर उसमें फिजिक्स लग जाए तो। चलिए खैर, समझ गए ना। तो ये मतलब बात क्या समझ में आई यहाँ पर, कि इस क्वाइल में डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और इसको ऑब्जर्व करते हैं। देखिए पहला ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो पहला ऑब्जर्वेशन है, जब मैंने सर्किट को क्लोज किया था, मतलब करंट गई थी जीरो से हीरो, तब डिफ्लेक्शन देखने को मिला क्योंकि फ्लक्स चेंज हुआ। दूसरा ऑब्जर्वेशन है, मैंने जब सर्किट को ऑन से ऑफ किया, मतलब जब करंट गई हीरो से जीरो, तो एक ऑब्जर्वेशन है जीरो से हीरो का और एक ऑब्जर्वेशन है हीरो से जीरो से हीरो का, एक है हीरो से जीरो का। अब दोनों ऑब्जर्वेशन को मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। अंजलि क्लास में हैं आप? यस सर। हाँ अंजलि पढ़िए पहला पॉइंट। व्हेन द प्राइमरी सर्किट इज क्लोज्ड, When the primary circuit is closed, current grows from zero to maximum value. During this period, changing current induces changing magnetic flux across the primary coil. Yes. So when the primary circuit closed, जैसे ही आपने सर्किट को क्लोज किया था, क्लोज करना मतलब सर्किट क्लोज करना मतलब करंट स्विच ऑन करना। देखो लगता है सर्किट क्लोज कर रहे हो मतलब बंद नहीं कर रहे हो, की को क्लोज करना मतलब ये क्लोज कर दिया, पहले खुली थी अब इसके बाद इसको क्लोज कर दिया, मतलब जैसे ही सर्किट आपने ऑन किया तो करंट क्या गई जीरो से लेके हीरो, मतलब मैक्सिमम वैल्यू पे गई, इसी लाइन को मैंने मैक्सिमम वैल्यू। हाँ, ड्यूरिंग दिस पीरियड चेंजिंग करंट इंड्यूसिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल। एक मिनट, ठीक है, ऐसा जब होता है तो इसमें आपका क्या सेट होता है, फ्लक्स सेट होता है। ऐसा जब होता है तो इसमें क्या होता है, इसके क्रॉस फ्लक्स सेट होता है। यही वाला फ्लक्स जो इससे सेट होता है वो इससे सेट हो जाता है। पढ़िए बेटा, दिस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स
अंजलि पढ़िए नेक्स्ट लाइन. दिस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज This changing magnetic flux is linked across the secondary coil and induces EMF current in the secondary coil. Exactly. यही बदलने वाला magnetic flux secondary coil से भी link हो जाएगा और secondary coil से link होने के बाद ये बदलता हुआ flux क्या generate करेगा? Induced current. Induced current या induced EMF. ठीक है ना? Yes. Next पढ़ो. Induced EMF. Induced EMF current and hence deflection in galvanometer lasts only as long as the current in the primary coil and hence the magnetic flux in the secondary coil change. इस लाइन का मीनिंग बताओ अंजलि. ये लाइन बहुत अच्छी है ब्लू कलर वाली. बताइए इसका मीनिंग क्या है. आया समझ में कि नहीं आया? सर थोड़ा थोड़ा आया. चलो मैं बता देता हूँ. हंसिका आप क्लियर कर सकती हैं इस लाइन का मीनिंग? सर इस लाइन का मतलब ये कि जो दूसरा कॉइल है उसमें डिफ्लेक्शन तब तक ही दिखेगा जब तक पहले उसमें करंट फ्लो हो रही है और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है. कहा जब तक उसमें पहली वाली कॉइल में फ्लो होने वाली करंट में चेंजेस हो रहे हैं तब तक उसके फ्लक्स में चेंजेस हो रहा है और वही बदलता हुआ फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में लिंक हो रहा है. तो जब तक वहां पर बदलाव हो रहे हैं प्राइमरी कॉइल में करंट में तब तक यहां पर हमको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा. ये चीज ये लाइन कह रही है. बोलो क्लियर हुआ? यस सर. हाँ, इंड्यूस ईएमएफ एंड करंट एंड डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर विल लास्ट मतलब वही जब तक है जहां है ना. ओनली विल लास्ट तब तक बना रहेगा ओनली एज लॉन्ग एज करंट इन द प्राइमरी कॉइल एंड हेंस द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल चेंजेस है ना. विल लास्ट ओनली एज लॉन्ग एज द करेंट इन द प्राइमरी कॉइल मतलब प्राइमरी कॉइल में करेंट चेंज हो और उसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स चेंज हो तब तक वो बना रहेगा. सो दिस इज कॉल्ड गाइज म्यूचुअल इंडक्शन और ये था फेराडे का सेकेंड एक्सपेरिमेंट. अब आइए सेकेंड एक्सपेरिमेंट की बात पढ़ते हैं. इस एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन फ्लक्स का चेंज का मतलब जो यहाँ से फ्लक्स था अब जैसे जैसे करंट बढ़ेगी तो फ्लक्स भी बढ़ेगा. ये देखो ये फ्लक्स बढ़ रहा है. अब फ्लक्स बढ़ रहा है तो अभी चेंज कैसे हो रहा? बढ़ते हुए चेंज हो रहा है. अभी जीरो से हीरो करंट हुई तो फ्लक्स भी क्या हुआ? जीरो से हीरो. अब जैसे ही आप स्विच ऑफ करोगे अभी जीरो से हीरो हुआ थोड़ी देर तक चलता रहा फिर जैसे ही आपने स्विच ऑफ किया बटन ओपन किया तो करंट क्या हो जाएगी? हीरो टू जीरो. तो फ्लक्स भी अब पहले बढ़ा था अब क्या होगा? घटेगा. तो बढ़ा तो ईएमएफ क्रिएट हुआ घटा तो ईएमएफ क्रिएट हुआ. समझ गए ना? क्योंकि मतलब फ्लक्स से नहीं है मतलब फ्लक्स के चेंज से है. चलिए तो पढ़ते हैं अब ऑब्जर्वेशन. पढ़िए अंजलि. व्हेन द प्राइमरी सर्किट इज ओपन करंट डिक्रीजेस फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू जीरो ड्यूरिंग दिस पीरियड चेंजिंग करंट इंड्यूसेस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल. This changing magnetic flux is linked across the secondary coil and induces current EMF in the secondary coil. However, note that the direction of current in the secondary coil is reversed and hence the deflection in the galvanometer is opposite to the previous case. Exactly, ये जो पूरा का पूरा पैरा है आप देखिए ध्यान से. ये सेकेंड केस के लिए है जब आपने सर्किट को हीरो से जीरो किया है जब आपने ओपन किया है तो कह रहा है जब प्राइमरी सर्किट खोल दिया गया तो प्राइमरी सर्किट में करंट बदल गई तो उससे फ्लक्स बदल गया. सेकेंडरी कॉइल से बंधा हुआ जो फ्लक्स था वो बदल गया जिसके कारण सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ जनरेट हो गया और उसमें भी करंट फ्लो हो गई. और एक लाइन लास्ट में लिख दी है कि जो पिछले वाले की डायरेक्शन थी उसकी जस्ट अपोजिट है. आओ देख लो जरा. अब देखना है इसमें एक बार गैल्वेनोमीटर देखना राइट साइड घूमेगा इस बार. अब दूसरी बार करेंगे तो लेफ्ट साइड घूमेगा. ये देखना ये कहाँ घूमा? राइट साइड. और करंट की डायरेक्शन पोलरिटी भी देख लो जरा. ये देखो साउथ और नॉर्थ है. सेकेंड वाले में तो मैंने बता दिया था सपोर्ट में नॉर्थ और साउथ. अभी अपोज कर रहा था क्यों? क्योंकि करंट बढ़ रही है तो करंट बढ़ रही है तो सेकेंडरी कॉइल बोलेगी अरे 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 कैसे बढ़ गए कैसे बढ़ गए. तो अपोज करने के लिए यहाँ पे जनरेट हो जाएगा उल्टा साउथ और वहाँ पे जनरेट हो गया नॉर्थ. तो इसलिए राइट साइड डायरेक्शन है. एक बार फिर से ये हो गया. अब आते हैं दूसरे वाले में देखना उल्टी डायरेक्शन में जाएगी. ये सर्किट अभी चालू है हीरो है. अब जैसे सर्किट खोला जीरो किया पहले वाले को देखो प्राइमरी कॉइल को ये खोला उल्टे साइड में है ना. तो मतलब दोनों सेंस में करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई है. समझ गए ना? जब सर्किट कनेक्ट किया तो अलग डायरेक्शन
जब सर्किट डिस्कनेक्ट किया तो अलग डायरेक्शन। ठीक है, बहुत बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट हैं, एनसीईआरटी में इनको पढ़ोगे तो बहुत टाइम लगेगा, और यहाँ पर मैंने इसको बड़े जल्दबाजी में अच्छे से, मतलब जल्दबाजी में नहीं, अच्छे से क्लियर किया है। चलिए तो अब आते हैं इतना सब कुछ पढ़ने के बाद फाइनली फैराडेज़ के लॉ, सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए, अब फैराडेज़ के लॉ को समराइज़ करेंगे। ऑब्जेक्टिव में कैसे आएगा क्वेश्चन, आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा फैराडेज़ फर्स्ट लॉ इज़, चार स्टेटमेंट दिए रहेंगे और उन स्टेटमेंट में आपको पहचानना पड़ेगा एक सही स्टेटमेंट जो फैराडेज लॉ का होगा। अब फैराडेज फर्स्ट एलिमेंट, फैराडेज लॉ ऑफ फर्स्ट फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पहला लॉ है, ऑप्शन रहेगा ए, ए रहेगा कि मान लो यही लॉ दे दिया, जब तक है जहाँ, जब तक है ना, अंटिल द करेंट विल बी चेंज, फ्लक्स विल बी चेंज, देयर विल बी इंड्यूस ईएमएफ। सेकेंड लॉ आपको दे देगा पहले चैप्टर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला, गॉस लॉ धर देगा। दूसरा लॉ आपको दे देगा एम्पियर लॉ, अब कंफ्यूज हो जाओगे। चौथा लॉ देगा एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो उसमें से आपको सही पहचानना पड़ेगा फैराडेज़ का लॉ कौन सा है। आइए देखते हैं फैराडेज़ का पहला लॉ, फर्स्ट लॉ बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में यही आने वाला है, जब तक है जहाँ। पहला लॉ, वेन एवर देयर इज ए चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद अ सर्किट एन ई एम एफ हेंस एंड करेंट इज इंड्यूस इन द सर्किट, हाउएवर इट लास्ट ओनली सो एज लॉन्ग एज द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजिंग। हिंदी में बोला जाए तो क्या है सर ये, वेन एवर, जब भी वहाँ पर कभी किसी क्वाइल से लिंक होने वाला फ्लक्स परिवर्तित होता है, बदलता है, तो फ्लक्स के बदलने के परिणाम स्वरूप एज एन रिजल्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ई एम एफ विल बी इंड्यूस्ड अक्रॉस द क्वाइल, और ये इंड्यूस ई एम एफ तब तक रहेगा, इसमें तब तक जान बनी रहेगी जब तक कि मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता रहेगा। समझ गए, ये फर्स्ट लॉ है, जो पहले पढ़ा उसके रिलेशन, उसी के रिलेशन में तो है ये पहला लॉ, जो सारा एक्सपेरिमेंट करा उसी का कंक्लूजन तो है दोनों लॉ का, दोनों एक्सपेरिमेंट करे उसका कंक्लूजन ही तो है। एक बार फिर से पढ़िए आप इसको, वेन एवर देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद अ सर्किट एन ई एम एफ एंड हैंस एन करेंट इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट, पहले क्या बनेगा, ई एम एफ बनेगा, ई एम एफ मतलब वोल्टेज, और वोल्टेज ही तो करेंट को दौड़ाता है ना, एंड करेंट इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट, हाउएवर इट लास्ट ओनली सो लॉन्ग एज द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजिंग, ये तब तक सही सलामत रहेगा, ये तब तक जिंदा रहेगा जब तक कि मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहा है, जो ही मैग्नेटिक फ्लक्स का बदलना रुकेगा ईएमएफ मर जाएगा, ईएमएफ इक्वल टू जीरो। सो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ गाइस, ये प्योर स्टेटमेंटल लॉ है और इसमें कुछ नहीं है, इसको केवल इतना ही याद करना है आपको, जब तक है जहाँ, मैंने इसको सीधे कह दिया। तो अगर आपको भूल जाए कि सर फर्स्ट लॉ क्या है, तो याद कर लेना भाई, जब तक है जहाँ, सलमान शाहरुख खान का मूवी है जब तक है जहाँ, ठीक है ना, तो उससे आपको याद हो जाएगा कि ईएमएफ तभी तक रहेगा जब तक कि जान कौन है उसकी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, सॉरी, जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहा है। हंसिका क्लियर, हर्षिता क्लियर, यस सर, अंजलि क्लियर हो गया, और जय, यस सर, ओके। सो अब आते हैं भाई सेकेंड लॉ पे, जय क्लास, यस सर, हाँ भाई ठीक है, अब सेकेंड लॉ पे आते हैं, सेकेंड लॉ क्या कह रहा है, सेकेंड लॉ, पहला जो लॉ है वो है क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव मतलब जो क्वालिटी को बताता है कि कुछ क्रिएट होगा, और साझा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर मैंने ये नहीं बताया कि कितने वोल्ट का ईएमएफ बनेगा, यहाँ पर मैंने आपको ये नहीं बताया कि कितने एम्पियर की करंट बनेगी, आप मुझसे पूछ सकते थे सर कि ये तो आपने बता दिया कि सर ईएमएफ बनेगा, ये तो आपने बता दिया कि सर करंट बनेगी, मगर सर जी ये भी तो बताओ कि कितनी करंट बनेगी, कितना वोल्टेज बनेगा। तो बच्चों सेकेंड लॉ जो है वो है क्वांटिटेटिव लॉ, पहला लॉ केवल क्वालिटेटिव है, पहला लॉ केवल क्वालिटेटिव है कि उसमें कुछ होता है वहाँ पे ईएमएफ बनता है। अब सेकेंड लॉ क्वांटिटेटिव है ना, सेकेंड लॉ के बारे में लेंज साहब क्या बोलते हैं, लेंज बोल गया, फैराडे साहब क्या बोलते हैं, तो फैराडे साहब क्या कहते हैं, फैराडे साहब वही कहते हैं जो आप हर बार करते हैं गाड़ी चलाते समय, जितने जोर का एक्सेलरेटर लेते हैं उतनी जोर की लाइट जलती है रात में, जिनके पास पल्सर आरटीआर बजाज वाली ना हो, महंगी गाड़ियाँ है ना, जो सस्ती वाली गाड़ियाँ चलाते हैं, वो जितनी जोर की एक्सेलरेटर लेते हैं उतनी जोर की लाइट जला करती है, ठीक है ना। तो सेकेंड लॉ क्या है,
सेकेंड लॉ कहता है कि जितना जोर का फ्लक्स चेंज करोगे उतना जोर का ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो यदि मैं लिखूं इसको अपनी भाषा में तो मैं लिखूंगा इंड्यूस ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स चेंज की रफ्तार, और जहां भी रफ्तार आती है तो नीचे क्या आता है अपॉन डेल्टा टी आता है। जब आप डिस्प्लेसमेंट की रफ्तार निकालते तो डी एस अपॉन डेल्टा टी करते थे, जब आप डिस्प्लेसमेंट को बदलने की रफ्तार निकालते थे तो क्या करते थे डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अब आप फ्लक्स चेंज की रफ्तार निकाल रहे हैं तो क्या बनेगा ई इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, या इसको कुछ लोग लिख सकते हैं ई इज प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी। तो यही कह करके गए फराडे साहब कि जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो फ्लक्स चेंज के क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। होने दो छोटा, कोई दिक्कत नहीं है, जितना छोटा टाइम स्लॉट लोगे उतना करेक्ट रीडिंग आएगी भाई। सेकेंड लॉ पढ़िए अंजलि, द मैग्नीट्यूड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट। एग्जैक्टली, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, बच्चों रेट का मतलब टाइम नीचे आना। आप पूछते हो ना भाई साहब टमाटर का क्या रेट है, क्योंकि टमाटर का रेट बदलता रहता है, इसलिए क्यों जो चीज़ें टाइम के हिसाब से बदलती हैं उनमें रेट चलता है। समझ गए ना, जो चीज़ें टाइम के हिसाब से बदलती हैं उनमें क्या चलता है रेट चलता है, और जो चीज़ें टाइम के हिसाब से नहीं बदलती उनमें एमआरपी चलता है, प्राइस मैक्सिमम रेटियल प्राइस। समझ गए ना, एमआरपी लिख करके आता ना आप लेने जाते हो कोई भी चीज़ बाज़ार से, कुरकुरे का एमआरपी है। कभी ये तो नहीं पूछोगे भाई साहब कुरकुरे का क्या भाव चल रहा है, बोले कल 5 का था आज 15 का हो गया है, ऐसा नहीं, तो उसमें एमआरपी चलता है। मगर ये टाइम के साथ बदलने वाली चीज़ है इसलिए इसमें रेट चलता है। सो ई, हाँ ई इज पेट्रोल का रेट, पेट्रोल का क्या भाव चल रहा है भाई साहब बहुत तेज चल रहा है ना। सो ई इज इक्वल टू डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी, ई इज प्रोपोर्शनल टू डी फाइव बाई डी टी। ये देखो बच्चों ये लिखा है ई मतलब ईएमएफ। चलो बहुत बढ़िया, तो वही अपन जो बचपन से काम करते आ रहे एक ही काम आपने बहुत अच्छा सीखा फिजिक्स में, प्रोपोर्शनल हटाना कॉन्स्टेंट लगाना। तो ई इज इक्वल टू के डी फाई बाई डी टी, और के जब आया है तो के की वैल्यू भी आएगी, तो के की वैल्यू है ना फेराडे साहब के जाने के बाद निकाली गई थी के की वैल्यू 1। ये हालांकि माइकल फेराडे ने के की वैल्यू दी थी है ना, तो के की वैल्यू 1। सो बच्चों ई इज इक्वल टू के की वैल्यू 1 रख दो तो क्या बन गया डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी लिख दो है ना, और जो डिफरेंशिएशन को प्यार करते हैं वो लिख दें डी फाई बाई डी टी। कोई दोनों बिल्कुल फॉर्मूले सही है, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी भी सही है और डी फाई बाई डी टी भी सही है। समझ गए ना, तो ई इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, तो नोट कर लीजिए ये सभी लोग है ना। तो कह रहा है वेयर के इज द कॉन्स्टेंट है ना एंड यूनिट्स आर चूजन सच दैट के इक्वल टू 1, के की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ये फेराडे बोल करके गए, बट बाद में लेंच साहब आए, लेंच साहब ने इसकी वैल्यू -1 निकाली थी, वो एक अलग कहानी है, वो एक अलग कहानी है, उसके हम बाद में बात करते हैं, मगर फिलहाल इतना पॉइंट नोट कर लो। बताओ सब कुछ क्लियर है, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। अब आप कहोगे सर ये फाइव टू माइनस फाइव वन नीचे आ गया है, नीचे सर टी टू माइनस टी वन क्यों नहीं लिया है, बिल्कुल ले लो भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ई इज इक्वल टू फाइव टू माइनस फाइव वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। अब आप कहोगे सर फिर ये टी कैसे लिख दिया आपने, इसका एक रीज़न है, देखिए जब आपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तो इनिशियल फ्लक्स था फाइव वन, एक्सपेरिमेंट खत्म करते समय आपका फ्लक्स हो गया फाइव टू, तो चेंज तो फ्लक्स का फाइव टू माइनस फाइव वन हुआ, बट स्टॉप क्लॉक में जब आपने टाइम सेट किया था तो स्टॉप क्लॉक शुरू कहाँ से होती है, जीरो से होती है ना, तो टाइमिंग का पहला टाइमिंग क्या था जीरो, और फाइनल टाइमिंग मान लो 10 सेकेंड है तो 10 माइनस 0 नीचे क्या आएगा 10 ही तो आएगा, तो यहाँ टी माइनस जीरो करोगे तो टी ही तो आएगा, तो चेंज इन टाइम टी ही होता है, बस आपका स्टॉप क्लॉक जीरो से स्टार्ट हो। तो नोट कर लीजिए ये, मतलब अभी बाद में नोट कर लीजिएगा, ये बताइए पूरा पैरा देख करके कौन सी लाइन आपको मैं दोबारा समझा दूं, क्लियर है एकदम? यस सर। चलिए तो बहुत अच्छा लॉ है बच्चों, पक्का 100% फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ यार लिखने को आता था सब्जेक्टिव पेपर में, बहुत गजब इंपॉर्टेंट लॉ है, और इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी आप कॉपी में लिख लो है ना, कहीं ना कहीं से इस पर घूम घुमा के क्वेश्चन आ जाएगा। सो ई इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, ओके भाई लियो नाम लिया और हाजिर हो गए हैं लेंज, ठीक है ना। फेराडे साहब अपना काम अधूरा छोड़ करके चले गए थे और लेंज ने उस काम को पूरा कर दिया, मतलब के की एग्जैक्टली वैल्यू बता दी इन्होंने माइनस वन। फेराडे साहब बोल करके गए कि ई इज इक्वल टू केवल होता है डी फाई बाई डी टी, के की वैल्यू 1 ले ली थी,
मगर लेंज साहब क्या कहते हैं पहले मेरी भाषा में सुन लो, फिर लेंज से पूछ लेंगे। लेंज कहते हैं कि भाई आपके पास दो क्वांटिटी हैं, एक है E और एक है डी फाई बाई डी टी। अब मुझे इतना बताओ आप लोग कि EMF का प्रोड्यूस होना, जितनी ज़्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस चेंज होगी उतना ज़्यादा EMF प्रोड्यूस होगा, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अब मुझे आप क्वालिटेटिव सोच करके बताइए कि जो EMF की डायरेक्शन होती है, मतलब जो करंट बनती है, वो फ्लक्स में चेंज होने का अपोज करती है कि सपोर्ट करती है? फिर से पूछता हूँ कि जो यहाँ पे EMF बन रहा है, EMF बनेगा तो करंट बनेगी, तो जो करंट बनेगी या EMF जो बन रहा है वो फ्लक्स में चेंज होने का सपोर्ट करेगा कि अपोज करेगा? सपोर्ट करेगा। बिल्कुल गलत। अब आप देखिए, फिर से चलते हैं बैक। आपको याद है यहाँ पे करंट कम हो रही थी, करंट कम हो रही थी, तो यहाँ पे जो EMF बना ऐसा बना कि इसमें करंट के कम होने का अपोज करे, करंट के कम होने का क्या करे, अपोज करे, मतलब फ्लक्स करंट का कम हो रहा था तो उसने अपोज करने के लिए करंट को बैकअप दे दिया, नहीं बच्चा मैं तेरे साथ हूँ। और जब यहाँ पर करंट बढ़ रही थी तो करंट को बढ़ने से रोकने के लिए उल्टे डायरेक्शन में करंट जनरेट हो गई थी, तो यहाँ पर बन गया था नॉर्थ और साउथ और यहाँ बन गया था साउथ और नॉर्थ। तो बताइए क्या फीलिंग आ रही है इसके अंदर जो करंट सेटअप हो रही है, इस चेंज का अपोज करने की या चेंज का सपोर्ट करने की? अपोज करने की। बच्चों बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? फिर से बता दो। फिर से बताता हूँ, ये बताइए कि जो सेकेंडरी क्वाइल में करंट जनरेट होती है, सेकेंडरी क्वाइल में जो करंट जनरेट होती है, कल भी आप देख रहे थे, एक बात याद कीजिए आप, जब मैं इस क्वाइल के पास मैग्नेट का नॉर्थ पोल लेकर के आ रहा था, ओए निशांत नींद आ रही तुझे, इधर देखो, जब मैं इस क्वाइल का नॉर्थ पोल लेकर के आ रहा था तो आपको याद होगा कि नॉर्थ पोल के आने से ये नॉर्थ बना था, याद है कि भूल गए? यस सर, याद है। हाँ, नॉर्थ पोल के आने से नॉर्थ बना था, मतलब ये जो हमारी ताकत का इस्तेमाल करवाना चाह रहा था वही ताकत हमारा किया गया, जो वर्क था वही इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हुआ था, तो नॉर्थ पोल की वजह से नॉर्थ पोल बना था। तो यहाँ पे जो करंट जनरेट हो रही है वो ऐसी पोलैरिटी जनरेट करा रही है कि क्या हो दोनों के बीच में, रिपल्शन। तो रिपल्शन किस बात को शाइन करता है, अपोज को या सपोर्ट को? सर अपोज को। अपोज को, मतलब मेरे कहने का बात ये है बच्चों कि इस क्वाइल में ऐसा EMF जनरेट होगा कि वो फ्लक्स के चेंज का अपोज करे, मतलब EMF का जनरेशन और फ्लक्स का चेंज एक दूसरे के किस फेवर में रहेंगे कि अगेंस्ट में रहेंगे? अगेंस्ट में, सर, अगेंस्ट। और फिजिक्स में जो चीज़ अगेंस्ट में होती है, फिजिक्स उस चीज़ को दिखाने के लिए किस साइन का यूज़ करती है, नेगेटिव साइन का। पिछले साल आप लोगों ने पढ़ा था स्प्रिंग लॉ, क्या पढ़ा था, एफ इज़ प्रपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स, जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो डिस्प्लेसमेंट के क्या होता है, प्रपोर्शनल तो होता है मगर नेगेटिव साइन का होता है। अब आप भूल गए हो तो आपको याद दिला देता हूँ मैं, ये स्प्रिंग, ये ब्लॉक है, ठीक है ना, और यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी हुई है, देखो याद करो, स्प्रिंग लगी हुई है, आप जितना जोर का डिस्प्लेसमेंट इस तरफ दोगे उतना जोर की तार तरीके से ये फोर्स आपको मारेगा धक्का, तो फोर्स लग रहा है इधर और डिस्प्लेसमेंट दे रहे हो उधर, इस ब्लॉक को खिसका के जितना पीछे लेके जाओगे तुम ये उतनी जोर से यहाँ वापस आएगा, याद आया कि नहीं याद आया, याद आया कि नहीं याद आया? यस सर। सो एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स, तो ऐसे ही यहाँ पे लेंज लॉ कह रहा है कि जो फ्लक्स का चेंज होता है और जो EMF होता है वो एक दूसरे के अपोजिट नेचर में हुआ करते हैं। चलिए अब समझ में ना आया हो तो फिर मुझे बताइए, तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूँ, पहले पढ़ लेते हैं लेंज लॉ। तो लेंज ने फैराडे की बात को आगे आके बढ़ाया,
पढ़ो हंशिका, द डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज दैट इज प्रोड्यूसिंग इट। बिल्कुल सही। जो इंड्यूस ईएमएफ होता है या इंड्यूस करंट होती है, उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी हुआ करती है कि यह अपने आप को प्रोड्यूस करने वाले का ही विरोध करती है, अपोज करती है। कौन है इसको प्रोड्यूस करने वाला? चेंज ऑफ फ्लक्स है। मतलब किसका विरोध करती है? चेंज ऑफ फ्लक्स का। कौन विरोध करती है, करंट या ईएमएफ? सो द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ और यू कैन से द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट इज सच दैट इट अपोजेज द कॉज विच क्रिएट्स इट। इट अपोजेज द कॉज विच क्रिएट्स इट। मतलब यहाँ पर इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ एक ऐसे बेटे के समान है जो अपने पिता से लड़ाई करता रहता है। समझ गए ना? ऐसे बेटे के समान है जो अपने पिता से या माता से लड़ाई करता रहता है। जिसने उसको जन्म दिया वो उन्हीं का बैरी बन के यहाँ पे काम करता है, उनसे अपोजिट काम करता है, हमेशा उनसे एंटी पार्टी में रहेगा। सो वंस अगेन आई एम रीडिंग द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ और द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करेंट इज सच दैट इट अपोजेज द चेंज विच क्रिएट इट विच प्रोड्यूस इट। कौन है वो चेंज? फ्लक्स का चेंज है भाई। कुल मिलाकर के बात ये हुई कि जो ईएमएफ होता है वो फ्लक्स के चेंज का अपोज करता है। तो अभी तक क्या पढ़ा था, E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, मगर अब चेंज भी तो दिखाना है ना, तो एक माइनस साइन लाइए, फिजिक्स का सम्मान करते हैं, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। क्लियर हो गया? सो दिस इज कॉल्ड लेंज लॉ। ओके, अच्छी बात है। अब देखिए इसको अगली दो लाइनें पढ़ते हैं। दैट इज इफ द करेंट इज इंड्यूस्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ द मैग्नेट देन द इंड्यूस करेंट इन द क्वाइल सेट्स इटसेल्फ टू स्टॉप द मोशन ऑफ द मैग्नेट। अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, शायद आप ही आंसर दे दें मेरे बताने के पहले। ये एक क्वाइल रखी हुई है और ऊपर आप एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ है ये साउथ है। जब आप ऊपर से किसी चीज़ को फ्री फॉल कराते हो, गिराते हो, तो आपको पता होगा कि वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से वो चीज़ गिरती है। मतलब आंसर इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वो चीज़ ज़मीन की तरफ गिरा करती है। अब बच्चों मेरा सवाल ये है कि जब एक मैग्नेट को तुम लोगों ने यहाँ से गिराया है, तो यहाँ जब ये आ रहा है नीचे, तो नीचे आने पर इसका एक्सेलरेशन सवाल बढ़ेगा, घटेगा या वही रहेगा 10 का 10? चलिए बताइए। आर्यन ने बोला बढ़ेगा, और अपने अपने कॉल दो, मारो भाई तुक्के, बढ़ेगा घटेगा या वही का वही रहेगा? सर घटेगा। घटेगा। जय सर घटेगा। घटेगा। ओके अंजलि, हर्षिता घटेगा। घटेगा। देखो यार आर्यन, तुम क्या जवाब दे रहे हो भाई? जब ये क्वाइल से नीचे से फेंका तो मैंने कहा ये क्वाइल आएगी पास में, जब ये क्वाइल पास में आएगी, ऊपर से गिराया, ऊपर से गिराया, जब ये क्वाइल पास में आएगी तो ये इसका अपोज करने के लिए यहाँ पे कौन सी पोलरिटी क्रिएट हो जाएगी? नॉर्थ। बताया था ना कि क्योंकि फ्लक्स लगातार चेंज होगा और नॉर्थ हो जाएगी, तो ये नॉर्थ और ये भी नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ का क्या करेगा? अपोज करेगा। समझ गए ना? तो रिपल्सन करेगा। तो पहले जी से गिर रहा था, तो नीचे आते आते जी से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जी से कम हो जाएगा। यस, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ पोल बन जाएगा। नॉर्थ पोल बनाने का काम किसने किया? करंट ने। करंट ही तो एंटी क्लॉकवाइज जब फ्लो हुई तभी तो नॉर्थ पोल आया, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होने से करंट कौन सी पोलरिटी बनाता है? नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ करंट ने कुछ ऐसा जुगाड़ जमाया कि ये इसके फ्लक्स का अपोज करे और यहाँ पे नॉर्थ करंट नॉर्थ डेवलप कर दिया, जिससे कि एक्सेलरेशन जो है वो जी से कम हो गया। समझ में आया? तो भैया इसलिए ये लिखी हुई है लाइन कि इफ द करंट इज इंड्यूस्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ द मैग्नेट देन द इंड्यूस करंट इन द क्वाइल सेट्स इटसेल्फ टू स्टॉप द मोशन ऑफ द मैग्नेट। ये देखिए यहाँ पे इंड्यूस करंट क्या कर रही है? इस मैग्नेट के मोशन को क्या कर रही है? स्टॉप कर रही है भाई। तभी तो ये डी एक्सेलरेट हो रहा था, नहीं तो पत्थर होता तो मस्त आराम से जी के साथ गिरता कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन से। अब अगला, इफ द करंट इज इंड्यूस
ड्यू टू चेंज इन करेंट इन द प्राइमरी कॉइल देन द इंड्यूस करेंट इज सच दैट इट टेंड्स टू स्टॉप द चेंज. अब ये पिछला वाला सेक्शन आ गया. ये एक कॉइल थी, ये दूसरी कॉइल थी, ये एक कॉइल थी, ये दूसरी कॉइल थी. याद कीजिए, पहली कॉइल में करेंट मर रही थी, मतलब जीरो हो रही थी जब स्विच ओपन किया था. तो इसमें जो करेंट थी, इसके सपोर्ट में करेंट डेवलप हो गई थी, मतलब इसके चेंज को अपोज करने वाली. यहाँ पे करंट क्या हो रही थी, कम हो रही थी, तो उसके कम ना होने के लिए, इसको ज़्यादा करने के लिए सपोर्ट में चेंज हो गई. तो ये लिखा है, इफ़ द करंट इज इंड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन करंट इन द प्राइमरी कॉइल देन इंड्यूस करंट इज सच दैट इट टेंड्स टू स्टॉप द चेंज. इंड्यूस करंट कुछ ऐसी होगी कि ये वो जो चेंज हो रहा है उसका विरोध करे, उसका क्या करे, अपोज करे. समझ में आया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत? चलिए. हाँ बच्चों, तुम लोग भी बोल दो कुछ कुछ, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर. कोई लाइन दिक्कत हो, कोई लाइन प्रॉब्लम कर रही है तो पूछो, कोई लाइन प्रॉब्लम कर रही है तो पूछो मुझसे, बताओ. बोलो 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 बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है? अरे बोलो हंसिका, कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो सर. चलो ठीक है. जय जय. क्लियर है सर. एक सवाल का जवाब दे दो जय, कि ये बताओ कि लेंज लॉ जो है वो कौन से कंजर्वेशन का सपोर्ट करता है. इतनी सारी बातें सुनने के बाद मुझे ये बता दो जय, कि जो लेंज लॉ है वो कौन से कंजर्वेशन का सपोर्ट करता है. बोलो, कोई भी बच्चा बोले कौन सा कंजर्वेशन, फीलिंग करो लेंज लॉ कौन से कंजर्वेशन की. एनर्जी कंजर्वेशन. कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पे कैसे अप्लाई होगा? मैंने बता दिया है इसके पहले भी, बट मुझे बता दो कि एनर्जी कंजर्वेशन कैसे अप्लाई हो रहा, कौन बताएगा? कौन बताएगा भाई एनर्जी कंजर्वेशन? ये क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, लेंज लॉ इज अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर ए चार्ज कंजर्वेशन, बी एनर्जी कंजर्वेशन, सी मोमेंटम कंजर्वेशन और डी कोई और कंजर्वेशन. सो करेक्ट आंसर बताओ, एनर्जी कंजर्वेशन. बात बिल्कुल सही है, बट मुझे एक्सप्लेन करो कि कैसा एनर्जी कंजर्वेशन, कहाँ का एनर्जी कंजर्वेशन हो गया. हुआ तो है एनर्जी कंजर्वेशन. एनर्जी कंजर्वेशन कहता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. बिल्कुल हुआ है. अब बताओ कैसे हुआ है सर? बिकॉज इट अपोजेस द चेंज. बिकॉज इट अपोजेज द चेंज. यार हंसिका क्लियर नहीं हुआ, आप थोड़ा इसको ऐसे कहो कि फीलिंग आए थोड़ी सी, मतलब ऐसे बताओ कि समझ में आए दिमाग में. ये लाइन से तो क्लियर नहीं हो रहा, कौन बताएगा? कोई बता पाएगा? मैं बताता हूँ. चलो, ये मैंने बताया आप लोग को, ये मैंने बताया है कि जो आप रिपल्सन के अगेंस्ट में जो काम करते हो ना, वही काम आपका एक्चुअली इलेक्ट्रिकली बदलता है, वही काम आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में बदलता है. देखो बच्चों, ये क्वाइल लगी हुई है और इस क्वाइल के साथ में एक बल्ब लगा दो, ये बल्ब लगा दिया. ये काम आप, ये एक्सपेरिमेंट आप देखना यूट्यूब में, बहुत कॉमन मिल जाएगा. और मे बी आप लोगों ने वो साइंस प्रोजेक्ट वगैरह स्कूल लेवल में होते हैं तो आपने देखा होगा, वो बच्चे लोग कोई साइकिल से बल्ब जलाता है, कोई वो एक डिस्क होती है उसको घुमा करके बल्ब जलाने का कारनामा दिखाते हैं. बहुत ही साइंस प्रोजेक्ट में कॉमन है ये चीज़, लोग दिखाते हैं बल्ब जला करके, है ना? यस, जनरेटर टाइप में. ये देखिए, ये सिस्टम है. अब आप देखिए, ये मैग्नेट है. एनर्जी कंजर्वेशन कैसा है? ये नॉर्थ है, ये साउथ है.
आप इस नॉर्थ साउथ को आगे मूव करते हो, तो जैसे आप आगे मूव करते हो तो आपको पता होगा ये वाला पोल क्या बन जाता है, नॉर्थ। अब ये नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, नॉर्थ नॉर्थ के बीच में क्या होगा, रिपल्शन। इस रिपल्शन को काउंटर करने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? वही वर्क आपका यहाँ पर जो मैकेनिकल वर्क है, जो वर्क आपने इस मैग्नेट को ज़बरदस्ती अंदर लाने के लिए किया है, वो जो नॉर्मल काम के ऊपर जो आपने एक ज़बरदस्ती लगाई ना, जो एक्स्ट्रा वर्क किया, वही वर्क आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में करंट को सर्कुलेट करता है। सो दिस इज हाउ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। सो योर मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में बदलती है, ठीक है ना। तो जो आप क्लास टेंथ में पहली बार पढ़ करके आए कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इंटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये वही तो है कि मैग्नेट घूमता है और बदले में बिजली बनती है, और यही काम आपकी गाड़ियों में होता है कि मैग्नेट घूमता है अल्टरनेटर का और बिजली बनती जाती है, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। समझ गए जी? बोलो क्लियर हुआ? सभी बच्चे यस बोलें। यस सर। यस सर। तो ये है अपना कंसेप्ट। तो अगला है लेंज लॉ एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये लिखा हुआ है कि लेंज लॉ जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन कैसे काम करता है। तो जो आप वर्क करते हैं उसके रिपल्शन को काउंटर करने के लिए, वही वर्क आपका जो है सेव हो जाता है किस फॉर्म में, कन्वर्ट हो जाता है, सेव नहीं, कन्वर्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चलो हंसिका पढ़ो, अकॉर्डिंग टू, यहाँ से लेके ब्लू वाला पार्ट पढ़ो, अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ। अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ द इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द चेंज दैट प्रोड्यूसेस इट। इट इज दिस अपोजिशन अगेंस्ट विच वी परफॉर्म मैकेनिकल वर्क इन कॉजिंग द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। Therefore, mechanical energy is converted into electrical energy. Thus, Lenz's law is in accordance with the law of conservation of energy. समझ में आ गया? समझ में आ गया? सर एक बार स्टेटमेंट वाइज एक्सप्लेन कर दो। बता देता हूँ। लाइन। According to the Lenz's law, Lenz's law के according the induced EMF opposes a change produce it. Lenz's law के accordingly जो induced EMF होती है वो उस चेंज का अपोज करती है जो इसको क्रिएट करता है। मतलब जो करंट जनरेट होती है क्वाइल के अंदर वो अपोज करती है फ्लक्स के चेंज का, मतलब मना करती है कि मैग्नेट को मेरे पास मत लाओ। मतलब यदि मैग्नेट का नॉर्थ पोल सामने आ रहा तो वो खुद नॉर्थ बना देगी, हाँ, जो पैदा कर रहा उसी का अपोज करेगी। उस अपोज के चक्कर में हमको क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, अपोजिस अगेंस्ट विच वी, है ना, अगेंस्ट लिखा इसके आगे देखो, इट इज द अपोजिशन अगेंस्ट विच वी परफॉर्म मैकेनिकल वर्क इन कॉजिंग द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। इस अपोज को काउंटर करने के लिए हमें मैकेनिकल वर्क करना पड़ता है जो कि चेंज ऑफ फ्लक्स प्रोड्यूस करता है। देयरफॉर मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वही जो हमारी एनर्जी जा रही है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। दस लेंज लॉ इन अकॉर्डेंस विद द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बोलो क्लियर हुआ? यस सर। सेकेंड पार्ट कोई काम का नहीं, इसको छोड़ देना। ओके, सो दिस इज कॉल्ड अपना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, तो बच्चों आज यहीं तक अपन को करना है, कल हम लोग करेंगे, कल से इसके डेरिवेशन से स्टार्ट हो जाएंगे। कल हम निकालेंगे करंट कितनी फ्लो होती है, फिर हम निकालेंगे नंबर ऑफ टर्म्स के साथ क्या रिलेशन है, फिर हम निकालेंगे चार्ज कितना प्रोड्यूस होता है, रेजिस्टेंस कितना होता है, और फिर हम मोशनल ईएमएफ जो कि इससे क्वेश्चन आएगा वो सब करेंगे। इसके साथ ही साथ मैं आज आपको वर्कशीट भेजूंगा, उस वर्कशीट के क्वेश्चंस धीरे धीरे लगाना शुरू कर दें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव स्टडी होने वाली है अब थोड़ी सी, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन ज़्यादा लगाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। हर्षिता आप पुराने वीडियोज़ कर लीजिएगा अच्छे से। थैंक यू बच्चों। थैंक यू। थैंक यू बेटा।